अगर शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? योग करें, शुभ भावना संस्कारा। इस शरीर को कभी भी सारे कलप में बीमारी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा निरोगी काया वरदान देता हूं, तो क्या सभी को मिलेगा? नहीं। तो क्या कर देखो भाई जी ने कुछ बताया ना, हाँ ऐसे नहीं, धन देने से तन ठीक थोड़ी होगा। अब देखना, अब इसकी व्यवस्था सुनना अच्छी तरह से। आप कहते भाई माता जी कहते मैं रोज मुरली सुनती हूँ, रोज योग करती हूँ, ये बीमारी क्यों आई? उसे क्या ना उसका सबका जवाब कान खोल के अच्छी तरह सुनना। ऐसे नहीं कि योग ज्ञान करो ये करो मिलेगा, नहीं, विधि है। जिसको गेहूं चाहिए तो चावल का बीज बो दो तो गेहूं उगेगा? नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा, है ना। अब पूछो कि इस शरीर को कब बीमारी नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो शिव बाबा ने कहा बच्ची ये आपका तन नहीं, ये मैंने आपको सेवा अर्थ दिया है। इस तन से आप इस यज्ञ शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की एक मिनट इस शरीर से सेवा करो, एक का पदम गुना देगा, एक जन्म के लिए इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी, ऐसा ये यज्ञ बाबा ने देगा, यज्ञ वरदान देगा। अगर इस यज्ञ की आप सेवा करते हो एक मिनट इस शरीर से, तो यज्ञ आपको वरदान देगा, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान मिलेगा। ये विधि विधाता बताया। तो आपको कितने जन्म के लिए निरोगी काया चाहिए? जन्म 22 जन्म में बीमारी होकर चलेगा। हाँ, और गणेश ने कहा है कि जन्म के लिए चाहिए, कितना जन्म के लिए चाहिए? हाँ, अगर एक बोरी चावल चाहिए तो एक ही दाना बोने से होगा? कितना चाहिए तो वो भी सोच लो। तो अगर आपको 84 जन्मों के लिए इस शरीर को कोई बीमारी नहीं आ जाए तो कितना मिनट इस यज्ञ की सेवा करना चाहिए? एक दिन में एक का पदम गुना बताया है ना, तो कितना जन्म मिनट करना चाहिए? 84 मिनट करना पड़ेगा ना, हो सकता है? सोचो, ऐसे नहीं, भगवान बहुत चतुर सुजान है, भोलानाथ नहीं है। हाँ बाबा आप भोले हो जो भी करो, नहीं, बहुत चतुर सुजान है, हिसाब किताब पूरा रखता है ना। कितना भी रो लो, कितना भी कुछ करो, वाला नहीं है, बहुत कठोर दिल वाला है ना। तो बच्चे जो किया वो मिलेगा, तब कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, धर्मराज बैठा हुआ है, अपने को बचाता है और धर्मराज को सामने रखता है ना, तो अपने को बचाता है। तो बाबा कहता है बच्चे जो करेंगे वो पाएंगे। इस शरीर को अगर कभी निरोगी काया चाहते हो, भगवान कुछ नहीं देता है, विधि बताता है। क्या विधि? ये तन अगर देखो माता जी घर में दो बच्चों के लिए, एक पति, चार लोगों के सारा दिन अपना सेवा करती है ना। अभी सेंटर में देखो एक बहन जी है, सवेरे से पूछो सवेरे से रात तक कितने लोगों के लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया, मुरली सुनाई, कितने सेवा किया। क्या भगवान ने उनको चार हाथ दिया? माता जी को दो हाथ दिया, उनको भी दिया, अंतर क्या है? किसने ये तन किसकी सेवा में लगाया, किसकी सेवा में लगाया है ना? ये तन इसकी सेवा में लगे, इनके खेती में काम करेंगे तो वो देंगे ना, अगर इनके खेती में काम करेंगे तो ये देंगे ना, तो किसके खेती में काम करना है, तन किसकी सेवा में लगाना है, ये निर्णय आपको करना है ना। हर एक सोचो हमारा जीवन, ये शरीर किसी का सदा नहीं है, कल छोड़ देना है थोड़े समय के लिए, और आपका शरीर नहीं कह सकते आप, है ना। तो ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो पूछना। अगर भगवान को कहते हो शिव बाबा ये तन ठीक करो, बच्चे आप खराब करो और मैं ठीक करता रहूं, ये धंधा मेरा नहीं, मेरे कहने अनुसार चलते हो तो मेरे यज्ञ की सेवा में लगा। कितना लगा? संसार छोड़ो नहीं का 24 घंटे।
24 घंटे बच्चों की, पति की, सास की, बहू की, घर की सेवा करो, कम से कम एक मिनट किसी यज्ञ की सेवा करो। तो ये यज्ञ एक का पदम होना एक जन्म के लिए आपको निरोगी काया वरदान देगा, संभव है? कर सकते हो कि नहीं? नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी को तकलीफ है? दवा नहीं भाई जी, एक मिनट भी निकल ही नहीं सकते घर में। हाँ बच्चे छोड़ते भी हैं, हाँ घर में इतना सब काम करना है, तो ऐसा है तो किसको बताएंगे? अपने तकदीर। हमने भगवान जब आया उसको मदद नहीं किया, वो मुझे मदद कैसे करेगा, है ना? तो इसलिए बाबा ने व्यवस्था दिया कि तन कम से कम एक मिनट सेवा में, एक घंटा नहीं। दूसरा, धन आप लेके आए थे, ले जाइए नहीं, धन भगवान की सेवा में रखो। अगर इस बैंक में रखो 10% इंटरेस्ट लगा, अगर इस बैंक में रखो तो ये 25% इंटरेस्ट लगा। किस बैंक में रखेंगे? इस बैंक में रखेंगे जो 25% इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना? तो बाबा ने कहा बच्चे धन न ले गए न ले जाएंगे, तो भगवान कभी लेता नहीं है, एक का पदम गुना बना के देता है, लेने वाला नहीं है, देने वाला है। तो विश्वास रखे इस बैंक में, ठीक है? अब एक प्रश्न है कि आप पूछेंगे कि अभी माता जी कहती है बुजुर्ग है, भाई जी मेरे तन से तो कुछ सेवा नहीं होती है, मैं औरों की से द्वारा सेवा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास धन है, मैं 10 लाख रुपए बाबा को देता है, देती हूँ, क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? अब प्रश्न है ना, अब सोचिए, माता जी कहती है मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, शरीर तो बहुत बुजुर्ग हो गया, हाँ या कि सेवा नहीं कर सकती, तो लेकिन मेरे पास धन है, धन बाबा की सेवा में देगा, देती हूँ, क्या बाबा मेरा तन को निरोगी काया वरदान देगा? तो क्या उपाय बताओ? अब माता जी तो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो मनसा सेवा करें, मन निर्मल होगा, तन तो नहीं होगा ना, तो उसका कोई उपाय बताओ। अभी भाई जी कहता है कि भाई जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, धन ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन ये तन बहुत अच्छा है, बीमार नहीं, मैं 24 घंटा बाबा के तन की यज्ञ की सेवा करता हूं, तो क्या मुझे बाबा धन देगा? सोच के देखो, चुपचाप सुनना नहीं, आज प्रश्न पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या इधर बैठे बैठे कहीं किधर चक्कर लगाते हो, उनके जवाब भी दे दो। हाँ अगर भाई जी कहता है भाई जी मेरे पास तो धन ही नहीं है लेकिन तन बहुत अच्छा है, तो इस यज्ञ की मैं सवेरे से रात तक जितनी सेवा करूं मैं करता हूं, तो क्या बाबा मुझे सारे कलम के लिए श्रीमंत बनाएगा, ऐसा वरदान देगा? तो क्या उपाय कुछ है? कुछ उपाय पहले माता जी के लिए बताओ, फिर भाई जी के लिए बताओ। माता जी कहते मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तन से सेवा करेंगे, धन कहां से लेके आओ? तो मांगना चाहिए, मांग के दे दो, आपने कहे भगवान के बच्चे मांगते नहीं है, भीख मांग करके भगवान को दे दो नहीं, और कोई उपाय बताओ। अब भाई जी माता जी क्या करें, कहते मेरे पास धन ही नहीं है लेकिन मुझे सारे कलम में गरीब नहीं बनना है, क्या भगवान कुछ मदद कर सकता है, कुछ उपाय बताओ। उपाय है किसी के पास? ज्ञान धन मिलने से वो धन आएगा, हाँ तो भी ठीक है, ज्ञान सुनाते फिर भी धन भी चाहिए ना, अनाज लाना है, चावल लाना, सब्जी लाना है, पैसे भी चाहिए ना, वो कहाँ से? अभी उसकी युक्ति है, वो भी बाबा ने बताया, मुरली अगर अच्छी तरह सुनते हो सब पता चलता है, इससे मुरली ध्यान से सुनते हो तो पता है, देखो भाई जी गरीब है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, भंडारे में कुछ डाल ही नहीं सकता है, खाने के लिए नहीं है, तो क्या करे? तो वो उसका तन अच्छा है, तो सेंटर में आके बहन जी को बताता है, माता जी बताती है दीदी मैं बहुत बुजुर्ग हूँ लेकिन मैं आपको सेंटर के सामने कोई वॉचमैन चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है,
मैं 2 घंटे बैठती हूँ, मुझे अनाज दे दो, मैं बैठे बैठे अनाज साफ करती हूँ। बाबा को भोग लगाने के लिए सब्जी चाहिए, सब्जी काटने के लिए मैं बैठे बैठे सब्जी काट के देती हूँ। कुछ तो कुछ बैठे बैठे भी कुछ कर सकते ना। तो 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन में अगर आपने तन भगवान की सेवा में लगाया, लगा सकते ना। अभी ये भाई कहता है तन धन, मेरे पास धन नहीं, तन अच्छा है, तो क्या करे। हाँ बहन जी को इधर खेती में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, काम करने के लिए मनुष्य बाहर वालों को बुलाना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है, भंडारे से पैसे निकाल के देना पड़ता है। भाई जी कहता है दीदी आप किसी को बुलाओ नहीं, मैं सब सेवा करूंगा। तो 100 रुपया जो भंडारे से देना पड़ता था, तो उसके नाम से 100 रुपया जमा हो गया ना, समझ में आया। अभी माता जी कहती है मेरे पास कुछ धन नहीं है, मैं धन नहीं सकती हूँ। माता जी के घर में खेती है, खेती में सब्जी उगती है, तो दीदी को बताती है बहन जी आप मार्केट से सब्जी नहीं लाना, भंडारे से पैसे निकाल कर मैं रोज हमारी खेती में सब्जी बनती, बाबा को भोग लगाने के लिए मैं ताजा ताजा रोज सब्जी लाके देती हूँ, है ना। 1 महीने में 100 रुपया लगता है, तो 100 रुपया इनके नाम से जमा हो गया, भंडारे में पड़ गया। और एक माता जी कहती है हमारे घर में गाय है, भैंस है, दूध है, रोज सेंटर में 1 लीटर दूध लेना पड़ता है, है ना, तो उसके लिए भी 100 रुपया भंडारे से निकालना पड़ता है। तो माता जी कहते हैं बहन जी आप रोज में 1 लीटर दूध ला के देते हो, धन की सेवा हो गया ना, तन की सेवा हो गया ना। नहीं तो तन ऐसी जगह माता जी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर में बैठे बैठे इधर आके 1 घंटा बैठो, सवेरे मुंडी क्लास के लाई, सब्जी काट के दिया, अनाज साफ करके दिया, बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं ना कि नहीं। हाँ क्या कर सकते हो वो करो, धन नहीं है तन से सेवा करो, धन जमा होगा। हो सकता है ऐसा कि कठिन, समझ में आया। ऐसा नहीं करो मेरे पास धन धन नहीं है, भगवान अपने आप देगा, नहीं उसके पास कुछ है, जो करेंगे ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे करो, ठीक है, समझ में आया। अब एक उदाहरण बताओ, देखो एक भाई है, एक कुमार है, रोज सेंटर में आता है, मुरली सुनने के लिए दौड़ दौड़ के आगे बैठता है, और बैठते ही बहन जी कहती है भैया आप इधर बैठो, बैठते हो चलो वो सेवा करो, स्टेशन में किसी को छोड़ के आओ। अब उसके मन में विचार चलता है मैं तो मुरली सुनने आया था, हाँ बहन जी मुझे सेवा में लगाती है, अभी सेवा करे कि मुरली सुने, बाबा का श्रीमत है, मुरली मिस नहीं करना। अभी माता जी दौड़ दौड़ के घर से आई, मुरली सुनी जाए, बहन जी ने कहा माता जी इधर बैठी जाके सब्जी काट। अब माता जी सब्जी काटते काटते विचार आएगा ना, मैं घर में भी सब्जी करते काटती थी, इधर आके भी वही कर रही हूँ, घर से जाना ही नहीं है, मैं घर में बैठ के मुरली सब्जी काटती हूँ, तो वहां जाने के बदले मुरली सुनने आती हूँ, बहन जी मुरली लेती नहीं, सेवा करो लगाते हैं। अब वो भी कुमार ऐसे करेगा तो क्या करेगा, बताओ उपाय बताओ, कोई निवारण होना चाहिए ना, माता जी बताओ हाँ क्या करना चाहिए। मुरली मुरली मिस करे, बाबा ने कहा भगवान कल्प में 1 दफा आता है पढ़ाने के लिए, वो मिस हो गया सारे कल्प के लिए मिस होगा, तो क्या करना चाहिए। आपके सामने ऐसे प्रश्न आता है ना, घर सेंटर से आते हो, घर से दौड़ दौड़ के, बहन जी कहते हैं सब्जी काटो, इधर सफाई करो, ये करो, बताते हैं ना आज मेहमान आने वाले हैं, ऐसे करते हो ना, तो आपके मन में दुविधा चलती है, विचार आता है, है ना। भाई जैसे है ना सेवा मुरली सुने आते हो, बहन जी कहते हैं सेवा करो ये करो, तो क्या करें, दुविधा है ना, तो इस दुविधा का निवारण जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है, अगर पढ़ा लिखा है तो क्या करे वो, लेकिन बहन जी कहते आते पहले ये सेवा करो फिर बाद में सुनाएंगे, तो क्या हाँ। फिर भी भाई जी ने अच्छा बात बताया, ये कहानी नहीं, ये व्यक्तिगत मैं बताऊं सही। एक सेंटर में 5-6 माताएं थी और एक ही कुमार था, पढ़ा लिखा नहीं, आटे की चक्की चलाता था,
बहुत दूर से साइकिल से आता था। मुरली सुन आगे आगे बैठता था। बहन जी 7 बजे आई, मुरली सुन, अरे भैया आप बैठ गया, जाओ पानी भरो। 7 बजे पानी आता, उसके बाद सारा दिन में फिर पानी नहीं मिलता। अब वो एक दिन आया, बहन जी ने कहा भैया क्या करो, पानी भरने लगा। फिर सोचने लगा, मैं तो मुरली सुनने आया, बहन जी मुझे पानी के बेटर भरने लगा दिया, कल से जाना ही नहीं। एक साल तक नहीं आया, पहले फोन भी नहीं था। एक साल के बाद बहन जी मिली मधुबन में, भैया वो भाई आता था कुमार, बहुत अच्छा सेवा करता, लेकिन आजकल आता ही नहीं, क्यों पता नहीं, मिला ही नहीं दोबारा। अचानक एक थोड़ा समय के बाद वो भी मिला, अरे आप सेंटर में नहीं जाते हो। भाई जी मैं क्या करूं, बाबा ने कहा मुरली सुनो, मेरी भी इच्छा है मुरली सुननी है, बहन जी मुझे मुरली सुनने देती नहीं, सेवा में लगा दिए। अरे आपने अपना भी भाग्य बिगाड़ दिया और भगवान को भी भूखा रखा। अगर आप बहन जी तो अपनी सेवा कर रही है मुरली, तो भगवान को भोग लगाने के लिए पानी चाहिए ना, तो कौन भरेगा। आपने पानी नहीं भरा, भगवान को आज भूखा रखा, आपने पानी नहीं पिलाया और आपका भाग्य भी नहीं बना, आपने कुछ सेवा नहीं की। तो भाई जी मैं क्या करूं, अब इसका उपाय बताओ, अब उसने क्या करना चाहिए। कुमार को देखते, कुमार की याद आ रहा है, हाँ बताओ क्या करना चाहिए, सेवा करे मुरली सुने, कुछ उपाय बताओ। मुरली तो मैंने पहले कहा वो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ नहीं सकता, बाद में कैसे पढ़े, फिर उसको अपना बिजनेस भी करना है। नहीं कैसे सुने, 7 बजे मुरली चलती है, वो सुनने नहीं मिली, फिर उसको 8 बजे नौकरी में भी जाना है, शाम को भी रात को आना है, सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक। ऐसा भाई के बारे में सुन सकता है ज्यादा, तो मुझको अच्छा चुप पड़े उतना हाथ करेगा, लिख के रखेंगे ना उससे सुना। मैंने पहले कहा वो लिख पढ़ा लिखा नहीं है, बाबा मुरली सुनाएगा, मन से सुनाएगा, सुना सकते हैं ना। आप भी कहेंगे कल भाई जी मैं घर में रहती हूँ, बाबा मन से मुरली सुनाएगा, ऐसे कहेंगे नहीं। हाँ उसके लिए युक्ति है, इसलिए पूछा, आपका भी बुद्धि चलनी चाहिए, कभी आपके जीवन में समस्या आई तो क्या करना चाहिए, इसलिए बताया। तो कुमार को भी भाइयों को भी कभी सेंटर में बहने सेवा कर कहती है, तो क्या करे, मुरली सुने, योग करे की सेवा करे, दुविधा होती ना, विचार चलता है व्यर्थ। तो उपाय है कि एक साथ दोनों काम कर सकते हैं ना, बाबूजी ने आधा बताया, दोनों काम कर सकता है। कैसे, मैंने कहा भैया आप तो कमाई करते हैं ना, गरीब तो नहीं, कमाई 100 रुपए तो कमाते हो, तो 5 रुपए में प्लास्टिक का ड्रम मिलता है, ड्रम या गवर्नमेंट का पानी होता है, एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा आता है, भीड़ लगी रहती है उधर, बहुत टाइम लगता है, आप प्लास्टिक का एक ड्रम खर्चे करो 5-10 रुपए के अंदर, नल के नीचे रख दो, और भरने में 15-20 मिनट लगेगा, और बैठो आकर 5 मिनट मुरली सुनो, जा करके देख लो ड्रम भर गया, पानी भी भरा, मुरली भी भरी, एक साथ दोनों काम कर सकते हैं ना, युक्ति चाहिए। भगवान युक्ति युक्ति युग संसार में युक्ति से चलो तो मुक्ति मिलेगी। एक साथ दोनों कर सकता है, एक प्लास्टिक का ड्रम रखो, ना गवर्नमेंट का पानी, भीड़ लगी रहती गांव में, एक एक बूंद धीरे धीरे आता है, एक ड्रम रख दो छोटा सा, 5-10 मिनट तो लगेगा, आके बैठो 2-3 मुरली के पॉइंट सुनो, जाके देख लो भरा, पानी भी भरा, भगवान की भी सेवा हुई, आपके वहां भाग्य बन गया। इसको कहते हैं युक्ति से मुक्ति, समझ में आया। तो युक्ति चाहिए, वो कौन सुनाएगा, युक्ति कौन सुनाएगा पूछेंगे आप, अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, भाई जी ये कैसे पता चलेगा, बाबा ने विधि बताया। बच्चे कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा आपके बच्चे कहते बहन जी कहते सेवा करो, और आप कहते मुरली सुनो, तो किसका सुनो, दुविधा होती है, तो बाबा तुरंत आपको जवाब देगा, बच्चे मुरली सुनो, बच्चे ये युक्ति रचो,
तब बाबा ने कहा मैं पढ़ाने आया, बच्चों को समझाने आया, संसार में चलते हुए कब दुविधा होती है, क्या करो क्या नहीं करो, संशय होता है, ये करो कि ये करो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं बैठा है बाबा के कमरे में, बेटा कल बताया था, बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है, माता जी कहते नहीं हाँ बोलते नहीं है, हाँ सुनता है, कैसे सुनता है वो भी उदाहरण बताता है, अभी माता जी के मन में संशय है बाबा कहाँ सुनता है, इसलिए उनको सुनाना पड़ेगा कल नहीं आए होंगे, हाँ इसलिए हाँ नहीं करे पता चलता है, हाँ बाबा सुनता है। अब उसका एक आपको प्रैक्टिकल बताओ, जीवित है कहानी। देखो एक व्यक्ति अफ्रीका में गुजरात का भाई, दो लड़कियां हैं एक लड़का है, अफ्रीका में था गुजरात का डॉक्टर है, और वो सत्यनारायण की पूजा हर महीने सत्यनारायण की पूजा करता है। एक दिन उसको ये ज्ञान मिला, ज्ञान सुना प्रदर्शनी में, 7 दिन ज्ञान सुना, तो योग कैसे करो, योग लगता नहीं। तो बहन जी से पूछा, बहन जी ज्ञान आपका पुष्ट है, मैं भगवान से योग कैसे लगा। तो बहन जी ने कहा वो तो आपको बाबा सिखाएगा। दूसरे दिन आया, बहन जी उस बाबा से मिला मुझको, मुझे योग सीखना है। वो भैया वो बाबा इधर नहीं हो तो माउंट आबू में है, चलेगा मुझे माउंट आबू भेज दो। नहीं आप अभी जा नहीं सकते हो, कम से कम 2-4 साल आप ज्ञान में चलेंगे तब जा सकते हो। नहीं मुझे आज ही जाना है, कितना भी खर्चा हो कुछ भी करना हो मुझे आप माउंट आबू भेज दो। रोज आके एक ही, बहन जी मुझे योग सिखाने के लिए माउंट आबू मुझे जाना ही है। अभी बहन जी परेशान होंगे क्या करे, तो बहन जी ने कहा भैया आप जाओ वहां मधुबन में जाते, बाबा का कमरा है, बाबा के कमरे में बैठो और बाबा को बताओ बाबा आपको सिखाएगा। अभी बाबा तो नहीं है, चित्र फोटो है, वो आया किसी की पहचान भी नहीं, आते ही पहले कब सामान कमरे में रखा, बाबा के कमरे में बैठ गया। तो किसी को पता था कोई नया व्यक्ति है, तो उसको कहा भैया आपने नाश्ता किया, नहीं कहा मिलता है नाश्ता, उसको कहा यहाँ नाश्ता करो, नाश्ता किया फिर आके बैठा, बाबा बाबा आपके बच्चे ने मुझे भेजा है, मुझे आप योग करना सिखाएगा, और 3 दिन के लाया। तो एक दिन चला गया, नाश्ता किया आके बैठ गया, खाना खाया बाबा कमरे में बैठा। तो रात को 11 बजे तक किसी ने कहा अभी दरवाजा बंद होने वाला है आप जाके सो जाओ, तो गया। दूसरे दिन सवेरे आया, तीसरे दिन आया, कल सवेरे जाना है, शाम को 5 बजे बाबा के कमरे में बैठा था, और 5:30 से 6:30-10:12 विदेशी थे, उनका क्लास होने वाला था। तो अनाउंसमेंट हुआ ये भाई क्लास करेगा, मैं सोया हुआ था, मुझे कहा आपको 5:30 बजे तक आके विदेशियों का क्लास करना चाहिए। हमने कहा मैं अभी उठा नहीं, स्नान करेगा 1 घंटा लगा भी नहीं, आज नहीं अब कल। उन्होंने कहा कितना भी टाइम हो चलेगा आप भी आना। मैं स्नान करके 6:30 बजे गया, 10-12 ही थे, पूछा रे भगवान को कैसे याद करते हो, मुरली क्या सुनी थी, ऐसे पूछा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, नए थे। तो मैंने फिर योग कैसे लगाना सुना, सुनाने लग गया, सुनाते सुनाते वो भाई पीछे तक बैठा था रोने लग गया। हमें कहा भैया बीमार हो आप, नहीं तो क्यों रो रहे हो, आज मुझे मैं कल तक इतनी दुविधा में था, बहन जी ने मुझे फंसाया, भगवान ने करके यहाँ भेजा, यहाँ कहाँ भगवान है, आज मुझे पता भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, देरी होती है, मेरा 2 दिन चले गए, कल सवेरे जाना है, शाम को 5:30-6 बज गए, कल सवेरे जाना है, अभी मुझे खाली हाथ जाएगा, बच्चे मेरी युगल क्या कहेंगे, तुमको दिमाग डॉक्टर हो, भगवान के पढ़ाता है ऐसा, तो क्या कैसे को दिखाओ। तो भगवान सुनता है, तब कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है। 2 दिन लगे, जब सुनते सुनते इतना देर गदगद हो गया, इतना रोने लगा, जा करके सारे परिवार को लेके आया, भगवान जहां आता है वहां मैं रहूंगा, विदेश चले गए। दोनों बच्चे पति वाइफ कोई आना नहीं चाहते, तुम आओ नहीं जाओ मैं आऊंगा। फिर उसकी वाइफ उनके दोनों बच्चे आज भी गुजरात में है, है ना। तो भगवान सुनता है, पढ़ाता है, कैसे पढ़ाया, उसके 1000 बुझाए हैं, है ना। ऐसे एक
बहन है अमरीकी, कैलाश बहन करके गांधीनगर में गुजरात में टीचर है, आज भी है। कहानी आप पूछ सकते हो, तो वो अनपढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं, तो सेंटर में जयपुर में सेंटर में थी, दो चार बहने के साथ रहती थी, सब बाकी बहने भी उसको सदा कहते थे ये पढ़ी लिखी नहीं, ये कुछ कर जानती नहीं है, बर्तन साफ करो, वैसे उसको इंसल्ट करते रहते थे सदा, ये पढ़ी लिखी नहीं, बुद्धू है, कुछ भी नहीं कर सकते है। तो उसको लगता था बाबा मुझे आपने पढ़ाया नहीं, और आप कहते तो मैं सुप्रीम टीचर हूँ। तो बाबा के कमरे में बैठती थी रोज, बताते बाबा मुझे आप पढ़ाते नहीं हो, सब लोग कहने देखो मुझे क्या कहती है, अनपढ़ है, बुद्धू है, ऐसे बताते हैं, आप आके क्या करते हो, आप कहते हो मैं टीचर हूँ, किसको पढ़ाते हो। तो बाबा ने उसको आसन कर पाया, अच्छी सवेरे सवेरे चार बजे पेन पेंसिल लेकर किताब लेकर बाबा के कमरे में बैठना, जयपुर में अंडरग्राउंड नीचे बाबा का कमरा था। तो सवेरे सबसे जल्दी जल्दी उठी, पेपर और पेन लेकर के बैठ गई, जैसे साकार में बाबा ऐसे बाबा उतर के आया, हाथ पकड़ा, लिखना सिखाया, इतना दो तीन शब्द लिखे, लेकिन कोई नहीं है, आज मुरली सुनाती है, लेटर लिखती है, किसने सिखाया। कहानी आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, गुजरात में गांधीनगर में कैलाश बहन करके, कहां पहाड़ी की है, हिमाचल में, कहते नाव चलाती थी, छोटी सी बच्ची थी, तब सेंटर में टीचर लेके आई, नाव चलाती थी, अनपढ़, भगवान सिखाता है। कहानी नहीं, कहानी सुनते हैं, ये आज भगवान इस धरती पर आकर कैसे कर्म करता है, सुना, कर्म करता है, कौन करता है, कैसे करता है, तब कहा कर्म करावनहार, कैसे करता है, समझ में आया, कौन करता, भगवान सुनता है कि नहीं सुनता है, माता जी कहते हमारा सुनता ही नहीं है, सुनता है हाँ, लेकिन किसका सुनता है, सच्चे दिल पर साहिब होना चाहिए, सच्चा दिल मना जिसके दिल में बुद्धि नहीं, किसी के प्रति बदले की भावना, गलत भावना, भावना गलत नहीं, सब भगवान के बच्चे। हाँ कोई दुख देता है, कोई पैसा लेता देता नहीं, तो भी भगवान के बच्चे, भगवान इनका कल्याण को, इनको सदबुद्धि दे, ये खराब है इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा बद दुआ नहीं देते हैं, ऐसे सच्चे दिल पर भगवान राजी हो जाता है, उनका सुनता है, उनके मदद करने के लिए भगवान आते, तो भगवान की वैल्यू क्या है, क्यों आप सब इधर आके बैठे हो, किसके लिए बैठे हो, कोई कहेंगे माता जी कहां भगवान मिला, क्यों जाते इतना सवेरे सवेरे उठकर उधर, है ना, जहां जरूरत है बाबा मदद है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, पता है आपकी दीदी को जानते हो आप, नहीं जानते हो, जानते हो, जानते हो अच्छी तरह से, कैसे जानते हो बताओ, हाँ दुलारे दीदी को जानते हो, भगवान के लाड़ प्यार दुलार कहते ना, तो दुलारे दादी को पता है, मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल है सबसे पहले छोटा हॉल है पता होगा, तो दीदी के पिताजी ने बनाया था, मुझे भी पता नहीं था, कल पता चला, हमने सुना था बाबा ने हिस्ट्री हॉल बनाया था, जब साकार ब्रह्मा बाबा था उन्होंने ये एक ही हॉल बनाया, ऐसे बोलते थे, अभी पता चला दीदी ने कल बताया, इनका पिताजी दिल्ली में इंजीनियर था, और बच्ची ने कहा पिताजी बाबूजी आप नौकरी करके कमाई करके क्या करेंगे, कौन खाएगा, एक ही बेटा है वो भी कमाता है, देखो बाबा ने मुरली में लग बताया था, कोई भी इंजीनियर बच्चा हो तो बाबा की सेवा में चाहिए, तो बच्ची की बात पिता ने माना, नौकरी कर लगा, फिर नौकरी छोड़कर रिजाइन देकर मधुबन में गया, चार साल मधुबन में रहकर हॉल बनाया, आज भी दादी दीदी मधुबन में बाबा सब लोग उसी हॉल में योग कर रहे हैं, आज भी सब लोग जाते हैं मधुबन में बाबा का हिस्ट्री हॉल, इतना उधर बैठे हर एक, हम भी उधर जाएंगे तो उधर ही बैठेगा, उधर का वातावरण कितना शांत, कितना पुण्य किसने कमाया, जिसने बीज किसने बोया, किसने बीज बोया, एक बार बैंक में पैसा डालो सारा जीवन इंटरेस्ट मिलता रहता ना, तो आपके दीदी ने कौन सा बीज बोया, है ना, पिताजी से आप स्वयं ने नहीं किया तो भी पिताजी को भेजा, तुम जाओ, पिताजी ने भी बच्ची का सुना,
जा करके इंजीनियर का हॉल सबसे पहले मधुबन में हॉल बनाया, हिस्ट्री हॉल कहते हैं उसको। सुना देखा उधर चारों तरफ बाबा के सारे हिस्ट्री के फोटो लगे हुए थे, वहां बाबा भी योग करने बैठा था, वही बाबा ने भी हिस्ट्री हॉल में पूरा जीवन वहीं मुरली सुनाई, वहां 350 बहनों को सबको मुरली सुनाई, वहीं बाबा योग करता था। आज भी जानकी दादी, एक धर्मेंद्र दादी, कोई भी दादी, सभी लोग वहां योग करने बैठते हैं। तो उस स्थान की वैल्यू कितना, कितनी शक्ति होंगी, तो वो बीज बोया हुआ कभी कितना फल आज तक दे रहा है, सारा कल देता रहेगा। तो ऐसे बीज बोलो जो सारा कलम आपको फल देता है, इसको कलम वृक्ष कहते हैं। ऐसा कर्म, अगर भाई जी कहता है कि भाई जी मैं एक सेंटर बाबा को बना के देता हूं, अगर वो सेंटर बनाया तो उसमें देखो एक मकान बनाया, इस मकान में कितने भाई बाबा के बच्चों ने धन लगाया, अभी कितने लोगों को सुख मिल रहा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बना ना। अगर एक भाई ने 10 लाख रुपया खर्चा अपने लिए मकान बनाया और एक ने 10 लाख खर्च के बाबा को, तो कौन सा अपने लिए 2-4 लोग उपयोग करेंगे। आज यहाँ कितने बाबा के 500 बजे बैठ करके, तब का सबको सुख देने वाली सेवा करो, तो सबकी दुआएं सारे कलप में आपको धनवान बनेंगे, सुखी संबंध बने। ऐसा बीज बोलो तो सारा कलप फल मिलता है, इसको कलप वृक्ष कहते हैं। समझ में आया, कैसा बीज होना चाहिए जो सबको, देखो सेंटर 1 साल के लिए नहीं है ना, 10 साल के लिए नहीं है ना। अभी देखो कितना 1945 में था स्वतंत्र होने से पहले, तब उसके बाद बाबा जब मधुबन आया 1950 में, 50 में स्वतंत्र होने के बाद 3 साल के बाद, तभी तब से आज तक हिस्ट्री वॉल जैसे कि वैसा है, एक जगह पर भी कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया। जैसे बाबा ने प्लान दे करके दीदी के पिताजी ने बनाया था, वैसे कि वैसे कभी तोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो वो जो बीज बोया है वो बीज फल देता है ना, देगा कि नहीं बताओ। तो ऐसे बीज बोलो जो सारा, एक नहीं 7 पीढ़ी तक कहते हैं, 7 जन्मों तक नहीं, सारे कलम में फल मिले, ऐसा कर्म का बीज बोलो। हो सकता है तब कहेंगे क्यों ऐसा, ये धनवान क्यों, ये निरोगी काया कैसे मिले, तन आपका नहीं, भगवान की सेवा में लगा। हाँ संसार छोड़ के नहीं, 8 घंटा संसार की सेवा करो, बच्चों की, पति की, घर की, सास बहू, बिजनेस करो, 8-10 घंटा नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ छोड़ना नहीं। 1 घंटा, आधा घंटा शिव बाबा की, यज्ञ की सेवा करो, ये सारे कल्प फल देने वाला है। ऐसे अपने आप में कोई गरीब, कोई जन्म बीमार, सदा क्यों बीमार, धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया, धन गरीब क्यों, धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया, मन मन के लिए लगाया। मन के पहले सुना, किसी को देखते ही औरों के प्रति शुभ सोचो, मुरली का चिंतन करो, मुरली के पॉइंट औरों को सुना, तो मन निर्मल होगा, अपने आप मन निर्मल नहीं होगा, न भगवान आके करेगा नहीं, साफ नहीं करेगा, विधि बताता है। समझ में आया, तन मन धन, ये तीनों वर्षा ऊपर से धन नहीं बेचता है, दवाई नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। शिव बाबा के पास दवाई है, बाबा बीमारी मिटा दो, दवाई दे दो, ऊपर से दवाई भेजेगा, धन रखेगा, धन भेजेगा, सोना भेजेगा नहीं। ये याद रखना, बीच बोल संगम पर, इसको कहा समय की वैल्यू जानना। अगर बरसात के बाद बीज बोएंगे कुछ उगेगा, चिड़िया खा के जाएंगे, सूख जाएगा, विधि पर। तब बाबा ने कहा, अभी वो भी बताता आपको, देखो बाबा भी सभी का लेता नहीं, अगर आप कहें बाबा मेरा ये ले लो, नहीं लेगा। आप किधर लूट करके किसी को दुख देते गए, चोरी करके बाबा को दे दो, बाबा लेगा। किसी का चोर खा के गया, कोई किसी का राजा खा के गया, किसी का मट्टी में मिल गया,
है ना, किसी का ही भगवान सफल करता है। तो उसका भी उदाहरण बताता हूं, अभी भी जीवित है, कहानी है। देखो एक बहन एक दिन मिली टीचर ने, भाई जी बाबा ने मुझे सेंटर दिया है, छोटा सा झोपड़ी दिया है, सेंटर है नहीं, इतना छोटे से मकान में कितने साल से बैठे हो। अरे भगवान देगा, ऐसे बोला। एक बार एक दो साल के बाद एक डॉक्टर ने बहुत सुंदर मकान बनाया और बहन जी को कहा, बहन जी आप यहाँ सेंटर खोलो। कोई डॉक्टर कभी कभी ज्ञान सुनता था, उन्होंने बहन जी को कहा, बहन जी मैंने एक मकान बनाया बहुत अच्छा, आपका छोटा सेंटर, आप ये सेंटर ले लो। और हमको भी फोन करके बताया, बहन जी बाबा ने सुना बहुत सुंदर मकान बना हुआ है, बड़ी बहन जी और हम दोनों देखने के लिए जा रहे हैं। गई सेंटर, मकान में पांव रखा तो विचार आया, ये सेंटर बाबा की सेवा के लिए ठीक नहीं, नहीं लेना चाहिए। बड़ी बहन जी कुछ नहीं बोलती है, छोटी बहन फोन करके बोलते, भैया बाबा ने ये सेंटर बाबा की सेवा के लिए, बहन जी दिमाग ठीक है, सेंटर देता है नया बना बनावा, कोई पुराना मकान नहीं है, आप कहते नहीं चाहिए। नहीं, पाँव रखते ही मुझे विचार आया, बाबा ने टचिंग किया, ये बाबा की सेवा के लिए योग्य नहीं है, नहीं लिया। आई वापस, बड़ी बहन ने कुछ नहीं कहा, वापस आई, नहीं चाहिए मुझको। और दो तीन महीने के अंदर एक भाई साइकिल से आया, बहन जी आपको मकान ढूंढ रहे थे, आप मिला नहीं, ये 9 लाख रुपया ले लो, ये जमीन ले लो। 9 लाख रुपया देके जमीन लिया और अभी मकान तैयार हो गया, जनवरी में ओपनिंग करेंगे कहा। तो भगवान ने क्यों मना किया हमको देने लेने के लिए? हाँ, किसी का लूट कर, किसी को दुख देकर। अगर आप कमाई करते हो, भगवान लेता नहीं, उसी का सफल करता है जो सत्यता से कमाता है। देखो तुरंत भगवान बाबा टचिंग देता है बच्चों को, तब बाबा ने कहा कभी खाना लेते हो, कभी कुछ करते हो, दृष्टि दे बाबा को, याद करो बाबा मैं खाओ, बाबा पूछते हो तो बाबा बताता, बच्ची ये खाना नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये कर्म नहीं करना, सिखाता है, लेकिन हम पूछते नहीं है, है ना। देखो तो उसने पाव रखते ही बाबा को याद किया, बाबा ये आपका बच्चा, आपकी सेवा के लिए मकान है। बाबा को याद किया, बाबा ने तुरंत कहा, टच करता बाबा सिखाता है, तब कहा भगवान इस धरती पर आया हुआ है, बच्ची ये सेवा के लिए योग्य नहीं है, नहीं देगा। बाबा देगा, तुरंत बाबा ने किसी को भेजा, अपने आप एक बार आकर के 9 लाख रुपया लेके आया, बच्ची ये जमीन ले लो, और आज सेंटर बन रहा है। किसी का राजा खा के जाता है, किसी का मट्टी में मिल जाता है, किसी का ही सच्चे दिल से जो कमाता है वही सफल होता है। समझ में आया? किसका सफल होता है? किसी किसी के पास बहुत है, देने की इच्छा ही होती, इधर उधर खर्चा करेंगे, अरे भगवान का है ना। हाँ, कई माताएं है, वो भी देखा, कई माताएं है भावना समझदार, अगर बहन जी कुछ कहते अपने चुड़िया भी निकाल के देंगे, अपने कान वाला भी निकाल के दान करेंगे, है ना, उनको विश्वास है। कई भाई भी खाएंगे नहीं, अपने बाबा की सेवा में लगाएंगे, तो उनको विश्वास है भगवान भी उनका ही लेता है, क्यों उन्होंने कमाई की, सच्चे दिल से कमाई किया है, तो भगवान को भी ऐसी चीज चाहिए। किसी को लूट, किसी को दुख देकर अगर कमाते हो, वो नहीं ले रहा है, सफल नहीं हो पाया, सही कि नहीं बताओ। हाँ भाई क्या कहते हो? हाँ अगर अगर ऐसे बताओ, अभी माता जी कहती है, भाई जी मैं रोज मुरली सुनती हूँ, पति नहीं सुनता, लेकिन माता जी कहते भंडारे में बाबा को पैसे देना चाहिए, मेरी लेकिन पति देता नहीं, तो क्या करे? माता जी क्या करती, पति के जेब से पैसा निकाल कर ले आती है और भंडारे में डालती है, तो चलेगा ना, उसका भी भाग्य बनेगा, उसका तो देता नहीं, उसका भाग्य कैसे बनाएगा? अपने लिए यूज नहीं करती, जेब से निकालती है और भंडारे में डालती है, चलेगा भाई जी बताओ? चलेगा भाई जी? कहता चलेगा, बाबू जी कहता चलेगा, हाँ बताओ और बताओ, क्योंकि उनका भी भाग्य बनाना है ना। जैसे माताएं क्या करती है, मंदिर में जाती है,
भंडारी गोलक में आप पैसे डाल सकते हो? नहीं, बच्चों के हाथ में देते, बच्चे आप डालो, बच्चों के अंदर संस्कार डालते हो, दान करने का। अभी माता जी कहती है पति तो ज्ञान नहीं सुधा कभी उसका भाग्य तो बने, हाँ कमाई तो भगवान की सेवा में लगे, तो क्या करो, जेब से निकालती है, अपने लिए यूज नहीं करती है, निकाल के भंडारे में डालती है, तो चलेगा ना नहीं चलेगा? भाई जी कहते चलना चाहिए, चलेगा चलना चाहिए। अरे बाबू जी कहता चलेगा, माता है बताओ, माता जी कहते चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? हाँ ये भी चोरी हो गई है ना, ये भी चोरी कहेंगे। अगर कल पति को पता चलेगा तो क्या कहेगा, अरे माता जी ने कुछ चोरी पैसे निकाल के कहाँ चले गए मेरे, तो मन में गलत विचार है ना, दुख दिया ना। तो चोरी छोटी कख का चोर हो लख का चोर, चोरी तो चोरी नहीं, बाबा को ऐसा धन नहीं चाहिए है ना, आप नहीं भंडारे में डालो चलेगा, बाबा जानता है बच्चे के हाथ में कुछ नहीं, बाबा देगा अपने आप। लेकिन आप चोरी करके पति के जेब से निकाल के दान करने का संकल्प नहीं करना चलेगा? ये करना चाहिए, माता जी हंस रही है, वो ऐसे करती है रोज, उनको अपने पर ही ला यार हंसी आ रही है, मैं इतना दिन से ऐसे कर रही हूँ, पता चला मेरा धन सफल नहीं हुआ, हाँ ऐसे कर देते ना, हाँ देखो माता जी को अभी समझ में आया, पति देता देता तो ले जा करके निकाल के जेब से निकाल कर दान कर दे, वो सफल नहीं होगा, चोरी कहेंगे पक्का। हाँ तो बाबा सब सिखाता है मुझे, बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब हम भोलेपन में कुछ करते हैं है ना, अपना विचार मन मत का, मन मत और श्रीमत। तो इस मुरली ये है बाबा हर चीज सिखाता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या बोल नहीं बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हर बात सिखाता है ना। अब देखो बाबा ने अपना अनुभव बताया, ब्रह्मा बाबा ने, अब देखो आप माताएं भाई क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा का स्वयं हीरे का बिजनेस था, दो लड़के थे, तीन लड़कियां थी, एक छोटी निर्मल शांता दादी करके बहुत छोटी थी, तो बाबा क्या करता हीरे सवेरे उठ करके हीरे कागज में बांध के रखता था, छोटी थी बाबा के कंधे पर बैठती थी, घर में था बिजनेस, तो ऐसे करते करते एक दिन उसने हाथ से ऐसे फेंक दिया बाबा के हाथ से, तो समझ में आया बच्चों को परिवार में भी कैसे चला। तो बाबा अपने हीरे को ऐसे इकट्ठा करके पूरी बांध के रख रहा, छोटी सी लड़की थी आई बाबा के हाथ मारा ऐसा सारा फैला दिया, तो क्या करेंगे आप, अगर उस जगह पर आप हो गए तो क्या करेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे जरूर है ना। तो बाबा ने बच्ची जाओ मम्मी बुलाती जाओ, बाबा ने स्वयं अपने इकट्ठा करके कैसे संसार में बच्चे भी कुछ करते हैं, अगर आपका मन शांत सच सात्विक रहा है तो ना गुस्सा करेंगे ना मारेंगे बच्चों को है ना, बच्चे चंचल करेंगे कुछ गलत करेंगे, भगवान के बच्चे है ना। तो कैसे संसार में चलना चाहिए है ना, कैसे करना चाहिए, बाबा हर चीज सिखाते, तब का सुखमय संसार दुखमय संसार को कैसे परिवर्तन करना, चमत्कार नहीं विधि से सिद्धि, जादू नहीं करता है चमत्कार नहीं सिखाता है, बच्चे ऐसे बीज बोलो ऐसे कर्म करो, तब कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का क्या स्लोगन है, अपने तन मन धन से अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें है ना, अपने तन से अपने मन से अपने धन से किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए ही, दूसरों को स्वर्ग लाने के लिए अपने लिए स्वर्ग चाहिए, और दूसरों के तन से नहीं दूसरों के धन से नहीं, अपने तन मन धन से अपने लिए भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो पूछ लो, अपना तन किसकी सेवा में लग रहा है, मन किसकी सेवा में लग रहा है, धन किसकी सेवा में लग रहा है, कल बीमार हो भगवान ठीक करो, कल
धन गरीब है भगवान इसको श्रीमंत बनाओ, धन दे दो लक्ष्मी की पूजा करो धन मिलेगा। हाँ ऐसे चल रहा है तो समझ, तब कहा ज्ञान से समझ मिलती है, तब कहा सत्संग से सब गति होती है। क्यों सरोज तो क्या करना, संसार में बहुत सारी समस्या है, कलयुग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ अभी और एक बात बताओ आपको, आप जवाब दे। अभी एक माता जी कहती है भाई जी हमारा पति बहुत शराब पीता है, क्या करो बताओ, तो जवाब दे दो कुछ निवारण आप बताओ, आप भी तो होशियार हो। हाँ भाई बताओ, एक माता कहती है भाई जी पति बहुत शराब पीता है, क्या करो। शुभ भावना से चलेगा। अब शुभ भावना है माता जी को भी गुस्सा आता है, शुभ भावना तब होगी जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, मन स्वच्छ है तो उनका काम चलेगा ना, तो मन तो स्वच्छ नहीं है तो कुछ करो, खेती खेती में कुछ बोलो ऐसे कहेगा ना, तो बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा नहीं, आपको बताएगा बच्चे कुछ करो क्या करना चाहिए, वो आप सोचो, आप पूछो किसी के पास उपाय तो प्यार से समझाए। हाँ प्यार होगा तो समझाए, प्यार ही नहीं है, प्यार होता था तो शराब पीता ही नहीं था, वो क्यों पी रहा है, प्यार नहीं है तब भी नहीं पी रहा है ना, कारण बताओ क्या करो कुछ उपाय। हम बोलते प्यार से, प्यार होगा तो ऐसा होता नहीं था, प्यार घर में नहीं है तब तो कुछ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए कुछ उपाय बताओ। भोजन नहीं शराब पीता है, भोजन बनाएंगे तो ठीक हो जाए। माता जी थोड़ी सी नजदीक खाई पीछे बैठ गए, आप सही बोल रहे हैं, तो बताओ युक्ति बताओ। तो बाबा कहेगा आपको बच्चे कुछ करो, अगर आप कहेंगे बाबा ये बच्चा गरीब है तो उसको कहेगा धन से दान करो, तो कुछ बताएगा ना, तो क्या बताएगा। जल में किरण डाल के उसको पिलाओ, जल आगे जब आपके बाबा प्यार किया जल से किरण दिया बाबा से, जल पिएगा तो शराब जल वो पानी दूध हो जाएगा। हाँ कुछ उपाय बताओ, सका जाएंगे तो उनके पास सकाश होगा तो देंगे ना। हाँ सकाश देना जरूर चाहिए, लेकिन उनके पास सकाश है, मुझे आपने कहा भाई जी दान करो, लेकिन जेब खाली क्या दान करो, जेब में कुछ हो तो दान करेगा ना। हाँ बाबा से मांग ले, बाबा ने कहा मांगने वाले नहीं बनो। अच्छा चलो फिर भी ठीक है, और कोई उपाय बताओ, और किसी के पास है। माता जी कुछ कह रही है, खाना खिलाए तो शराब अमृत बन जाएगा। खाना तो खिलाती माता जी, रोज योग करके खाना खिलाती है, लेकिन एक चिंता है एक पति परिवर्तन नहीं हो रहा, शराब नहीं छोड़ रहा, क्या करना चाहिए। बाबा को बोलना चाहिए बाबा ये आपका बच्चा आप खरीदो। हाँ बाबा कहता है बच्चे मेरा बच्चा है, लेकिन आप कुछ करो उसके लिए। तो अब एक सुना, इसको मानते हुए हमने एक केस किया, एक माता जी आई, हाँ अभी भी जीवित है, कहानी नहीं सुना, तो कहा भाई जी पति शराब पीता है, मैं बहुत दफा है आपको बताओ, बाबा के कमरे मधुबन में आए, मधुबन में आए आपको बताओ, तो लेकिन शर्म आ रही, क्या कहेंगे आप, कैसे कैसे बोलेंगे, लेकिन कितने समय से फिर बाबा को बताया, बाबा कमरे में किया, एक दिन ऐसा विचार आया कि दो बच्चे दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं, किसी को बोलो तो कैसे बोलो, तो घर छोड़ करके पिताजी के घर में गई, माँ बाप के घर में, वहीं के बाद भी मैं इस घर में पति को रोज का पति के मैं जो चाहे करता हूं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती, मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी नहीं चाहता, वो कहता मैं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ दवाई दे दो कुछ करो आप, कहता मैं नहीं कर सकता। कितना साल समझाते, बच्चे बड़े हैं पढ़ते हैं दसवीं में पढ़ते हैं दोनों बच्चे, तो क्या करें, और फिर सुनते नहीं तो घर छोड़ के गई, और वहां भी शांति नहीं, वहां से फोन किया, भाई जी मैं बहुत दफा ट्राई किया, मधुबन में आई पापा को बताया, फिर भी मुझे विचार है आपको बताओ, लेकिन नहीं बताया, अब मैं घर छोड़ के घर गई,
हमने कहा माता जी पहला काम करो, पहले अपने बच्चों को खाना बना के खिलाना है, पढ़ रहे हो, पहले घर में जाओ फिर बात करो, नहीं तो मैं फोन रखता हूँ, पहले घर जाओ, अपना घर पहले घर छोड़ के नहीं जाओ। गई बस से घर गई, अभी बात करो। हमने कहा घर छोड़ के जाएंगे आप, बच्चों को पढ़ाई क्या होगा, कौन देखेगा, कल उनका जीवन क्या होगा, वो भी सब सोचना चाहिए ना। घर छोड़ के गए जो हो गया तो गई, फिर कहने का अभी शुरू हो क्या करना चाहिए। हाँ आपको भी, आप भी 10 साल से ज्ञान में चलते हो, बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे गुस्सा नहीं करो, आपने गुस्सा छोड़ा, पति को कहते शराब छोड़ो, आप छोड़ नहीं सकते, वो कैसे छोड़ेगा। दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, आपको भी बाबा ने कितने साल से कहा, माता जी आपका गुस्सा गया, बाबा ने आपको कहा, माना आपने नहीं, पति को आप कहते हो उस शराब छोड़ो, वो कैसे छोड़ेगा, कैसी ताकत आएगी, तो फिर क्या करो। हमें कहा बाबा से राय पूछो, बाबा क्या कर, बाबा सिखाएगा आपको, इसलिए तो मैं मधुबन में आई थी ज्ञान लेने। तब बाबा के हाँ हमने कहा एक युक्ति करो, छोड़ो नहीं कहो, वो जान बुझ के नहीं करता, बीमारी है, मन में गलत विचार चलते हैं, नींद नहीं आती, क्या करें, कोई दवाई है, कुछ उपाय है, तो उसका उपाय करो। हम पति को बोलो तुम मार्केट में जाके शराब लेके ले आना, मैं पिलाऊंगी, आप शराब के बॉटल लाओ फ्रिज में रखो, उसके साथ एक कोको कोला के बॉटल भी लाओ फ्रिज में रखो दोनों, और पति को बोलो खाना खा के आप सोने जाओ, मैं ग्लास में जाके शराब पी, तो बाहर जाके पीना नहीं, लोग मुझे बोलेंगे, तो कहते ठीक हो सकता है, कहते हाँ। शराब के बॉटल लाया, कोको कोला के बॉटल में रखा, जब उसको खाना खा के सोने जाओ, एक ग्लास में पहले दिन शराब डाला दिया पिया सो गया, दूसरे दिन शराब के अंदर थोड़ा सा कोको कोला डालो पिलाओ, टेस्ट थोड़ा धीरे धीरे चेंज कर, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा कोको कोला डालो, वो भी काला होता है नशा वाला, तीसरे दिन और थोड़ा ज्यादा, ऐसे 10-15 दिन में शराब कम करो कोको कोला ज्यादा डालो, उसका टेस्ट नशा, हाँ अब पिलाओ, मना नहीं करो, जबरदस्ती बोलने से होता है, कुछ करो। तो ऐसे करके करके उसकी आदत को परिवर्तन करो, जबरदस्ती करने से, बोलने से, रोने से, घर छोड़ने से आदत परिवर्तन होंगे, वो भी मजबूर है, कोई चाहता नहीं है। आपको भी कितने साल से बाबा कहता है गुस्सा छोड़ो गुस्सा छोड़ो, छुटा आपके हाथ में है नहीं, कुछ युक्ति करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको कहा कि आप ऐसे करो, उनकी आदत टेस्ट, जिनकी टेस्ट चेंज होते 10-15 दिन में आदत चेंज हो जाएंगी, कर सकते हैं ऐसा, करना चाहिए, सही है कि गलत, मंजूर भाई जी बताओ, हो सकता है करना चाहिए ऐसा, सही उपाय है करना, ऐसे ना, ऐसे नहीं, ये छोड़ो गुस्सा छोड़ो ये छोड़ो कहना अज्ञान है, कोई चाहता नहीं है, हर एक व्यक्ति परवश है, कोई जानबूझ के गुस्सा नहीं करता है, कोई करते हो आप लोग जानबूझ के, नहीं चाहते हो, परिस्थिति ऐसी आती आपके माता जी गुस्सा नहीं करो, 100 दफा सुनो पढ़ो जाएगा, उपाय करना पड़ता है ना। तब कहा आपको बाबा ने उपाय दिया, बच्चे धन चाहिए, मन की शांति चाहिए, अपने आप नहीं मिलेगी कितना भी करो। तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीतने, तपस्या करने से नहीं, हर चीज की विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, विधि चाहिए। तो कौन सी विधि, हर एक के कर्मों की अलग अलग विधि है, कभी किसी को कहते ये नहीं करो, ऐसा हो सकता है वो आपके कहने से मानेंगे क्या, भगवान आपको रोज सुनाता है आप मानते हो, दूसरे कैसे मानेंगे, ये नहीं सोचते है ना। हमको भी तो रोज मुरली में बाबा कहता है बच्चे ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, हम सुनते हैं भगवान का नहीं सुनते हैं, आपका कैसे सुनेगा, उपाय करना चाहिए। समझ में आया कि कठिन है कि सहज है, सबको भाइयों को मंजूर है, चलेगा। माता जी अगर आपको कहते तंबाकू नहीं खाओ गुस्सा नहीं करो, अभी गुस्से की दवाई दिया नहीं किसी ने, दिया गुस्सा करता है पति, माता जी गुस्सा करते उसकी दवाई है, उसकी दवाई आपको पहले दे दिया लेकिन बताया नहीं, गुस्सा छोड़ने की दवाई दी है, लिया आप लोगों ने, सुनन मुझे गुस्सा कैसे छोड़े,
उसकी भी दवाई आपको दिया, कौन सी? एक मुरली के पॉइंट 8 दिन जेब में रखो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 2-3 दफा सवेरे शाम दूसरों को सुनाओ, 8 दिन करो और फिर मुझे बताना कि गुस्सा गया कि नहीं है। गुस्सा बेहोश में आता है, होश से जानबूझ के नहीं करते, बेहोश। दुनिया में जो बेहोश होता है उसको बूटी सुनाते हैं, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, जेब में रखो, बार बार सुनाते रहो, सवेरे दिन में शाम को, अपने आप सारा दिन में होश में रहेंगे। जहां होश है वहां बेहोश से काम नहीं होगा। क्रोध को जीतना चाहते हो तो ये दवाई है, 8 दिन करके रखा। देखो क्रोध अपने आप आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपने क्रोध को बुलाया नहीं है, कहीं से आया नहीं है, उसकी निवारण चाहिए। तो बाबा हर चीज की विधि बताता है, तो ये करके बता सकते हो, कर सकते हो। एक मोटी का सदा, 1 महीना नहीं का, कम से कम 8 दिन आपके इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हो, एक मुरली के पॉइंट लिख के अपने पास रखो, कम से कम 3 दफा सवेरे दिन में शाम, 3 दफा शरीर को खाना करते हो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, और सारे दिन में किसी 1, 2, 3, 4 कम से कम 1 या 2 को आज के मुरली के पॉइंट आपको औरों को सुनाना है। ये 3 कंडीशन अगर 8 से 10 दिन करते हो, देखना क्रोध आपको छोड़ के कहां चला जाता है, जहां से आया वो अपने आप चला जाएगा। कानपुर वाले करके बता सकते हैं कि सुनना चाहते हैं, हाँ, जो समझे भाई जी हम करके 1 हफ्ते के बाद बताएंगे, वो हाथ उठाओ देख लो, इतना सब करेंगे, छोटे गुस्सा नहीं करता, आता ही नहीं, वो हाथ ही नहीं उठाता छोटे, वो कहता है हाँ आता ही नहीं, कहां से आता, पहले कहां से आता था, पहले आता था पप्पा गुस्सा करता होगा ना, हाँ तो पप्पा को पूछा नहीं हमने कहां से गुस्सा करते आप ले आते हो, तो गुस्से का असर आपके ऊपर नहीं पड़ा, अच्छा गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। देखो एक कुमार है, देखो गुस्सा नहीं करता, सत्य में जाने को तैयार है, हमें कानपुर में दुलारी दीदी ने किसी को तैयार किया होगा ऐसा लगा, एक कुमार तो है, हाँ क्रोध मुक्त कुमार है, हाथ उठाओ, उठ के खड़ा हो जाओ, देखो सबको दर्शन दे दो, मंजूर है, हाँ अभी आपको पता चलेगा ना, इसने कहा क्रोध मुक्त कुमार है, बाबा ने कहा जो क्रोध 1 विकार को जीत लो बाकी 4 विकार बाबा ले लेगा, हिम्मत का 1 कदम रखो तो सत्य में जाने के लिए छुट्टी देगी, सुबह फरिश्ता बन सकता है, हाँ क्रोध मुक्त है फरिश्ता, बीच में भी घुमा सकते सब लोग के सब लोगों ने देखा नहीं, देखो हाँ देखो क्रोध मुक्त कैसा होता है, देखा एक कुमार है, देखो माता है कोई नहीं, लक्ष्मी कोई नहीं, नारायण तैयार हो गया, लक्ष्मी भी चाहिए, लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए, हाँ अभी माता है भाई कन्या भी तैयार करो, क्रोध मुक्त, क्रोध सब बीमारियों का कारण है। चला एक सैंपल तो तैयार किया, अब हाँ सेवा में लगेगा, तभी यज्ञ सेवा में लगेगा ना, देखो जो कहो तैयार, आप जो क्या सेवा दे दो तैयार है, क्रोध मुक्त एक तो सैंपल है, देखो नेताजी को भी खुशी हो गए, देखो मेरे राज में एक कुमार तो है, हाँ दो कुमारी तो कोई तैयार ही नहीं, अभी तो कोई हाथ ही नहीं उठा, देखो कितनी कन्याएं बताओ जो क्रोध मुक्त है वो हाथ रखो, नहीं सभा में, बाबा सभा में दीदी को खुशी, हाँ देखो सभा, बाबा सभा में बताता है, चुपचाप नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, सबके सामने होना चाहिए ना, सभी देखो इलेक्शन कैसे करते हैं, सबके सामने वोट करें, देखो कानपुर का राजा तैयार हो गया है, हाँ अभी ताजपोशी होनी है, बाबा ने इतना कहा बच्चे 1 विकार को जीत लो बाकी 4 विकार मैं ले लूंगा, हिम्मत का 1 कदम रखो, और सारे विकारों में सबसे बड़ा बीज क्रोध है, पहले क्रोध आता है फिर उसके बाद एक 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 शुरू हो जाता है, अहम आता है, सब शुरू होता है, और क्रोध करना ना करना आपके हाथ में है ना कि नहीं, मानते हो क्रोध करना नहीं करना आपके हाथ में, पर आप दूसरों के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। देखो एक सैंपल मिल गया, अभी कन्या है कोई बताओ, हाथ बताओ, कोई भी एक भी नहीं है, लक्ष्मी तैयार नहीं हो अभी तक, हाँ तब एक नहीं तो सत्य में कहते लक्ष्मी नारायण, नारायण तैयार हो गया,
लक्ष्मी भी चाहिए ना, कोई नहीं। माता जगत गुरु कहते गुरु ठीक नहीं है तो फिर स्टूडेंट कैसे होंगे। अभी माता गुरु तैयार नहीं हुए तो सोच लो संसार में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको कहा सत्संग, ये कहानी नहीं, यहाँ कोई कथा नहीं सुनाता है। जीवन को कैसे परिवर्तन करें, जीवन में हर कदम में जो समस्या है कलयुग में उसको परिवर्तन। बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाता है, शूद्र को देवता बनाता है, दैवी गुण देवता अपने आप नहीं बनेंगे, अपने आप पूजनीय नहीं होंगे। तो ये पढ़ाइए, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे, है ना। सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है। क्या समझते हो भाई, क्या समझते हो, सुनने से होगा? कुछ करने की हिम्मत रखो। हाँ कुछ तकलीफ है। अब देखो मुरली के एक पॉइंट लिखो, इतना कहा आपको, ऐसे नहीं कहा कि खाना नहीं खाओ, एक पांव पर खड़ा हो जाओ, व्रत करो, ऐसे नहीं कहा। संसार में रहो, बिजनेस करो, कर्म करो, सब कुछ करते रहे, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन एक काम करो कि एक जैसे कागज जेब में रखते हो, एक मुरली का एक पॉइंट लिख करके जेब में रखने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है नहीं, कोई कठिनाई है? तब कहा है सहज राज योग है, सबसे सहज। बाप बच्चों को कभी भी कोई भी मेहनत करना नहीं सिखाता है, तब नाम ही रख दिया सहज राज योग। लेकिन उसमें भी आत्मा इतनी कमजोर है, कुछ करना नहीं चाहती है ना, अपने आप चाहते, बिना मेहनत किए हुए, बिना बीज बोए हुए कुछ चाहते हैं। कुछ करने के लिए कुछ होने वाला तो नहीं है ना। सृष्टि का विधान है, नियम भगवान ने या साइंस ने, ऐसे कोई विधान अभी तक निकाला नहीं बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए। ऐसा किया साइंस ने, भगवान ने ऐसे जो चमत्कार किया बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए? नहीं। एक बीज बोलो, हिम्मत का एक कदम रखो, एक वर्ग इस भट्टी से एक व्रत ले। क्या व्रत? एक महीना कम से कम हो सकता है, चिट्ठी लिखकर बाबा को बाबा के कमरे में डाल के जाना, बाबा एक महीने के लिए क्रोध को आप अपने पास रखना, हमारे पास भेजना नहीं। एक महीने के लिए, तब तक आप शक्तिशाली बनेंगे, फिर उससे लड़ाई कर सकते हो। अगर एक महीने के बाद क्रोध आ जाए आपके दरवाजे पर, उससे आप सामना कर सकते हो, है ना। चलेंगे एक महीने तक हाथ पी करके मजबूत होंगे तो लड़ाई करना पड़ेगा ना, बिना लड़ाई के तो विजय की माला नहीं है। विजय बनना है तो लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा, तो लेकिन पहले सशक्त बनना चाहिए। तो एक महीने बाबा आप अपने पास इस माया को बांध के रखना, एक महीने के बाद भेजना, हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कर सकते हो। हाँ माई माताएं बताओ, भाई बताओ, कर सकते हैं, करेंगे? माताएं हाथ नहीं उठा, हाँ दीदी देखने के लिए बैठी है, खास आके ऊपर आके क्यों बैठी बताए? हाँ दीदी देखते अपने राज में कौन कौन क्रोध मुक्त होंगे, क्योंकि बाबा कल पूछेगा बहन जी से, दीदी से पूछेगा इस माता जी को सत्युग में ले जाए, इतनी बाबा ये ठीक नहीं है, ये थोड़ी क्रोध करती है। हाँ सर्टिफिकेट तो दीदी ने देना पड़ेगा ना, तो सत्युग में ले जाना है तो बाबा निमित टीचर को पूछता है इनको ले जाए सत्युग में, इनको गद्दी पर बिठाए, तो सर्टिफिकेट तो कहां से मिलेगा? इसमें देखने के लिए ऊपर है कौन कौन क्रोध मुक्त बन रहे हैं। ऐसे ऊपर से अभी बाबा भी देखता होगा, दीदी आ रही तो बाबा भी ऊपर से देखता होगा, मेरे बच्चे कानपुर में कौन कौन तैयार है, तो सत्युग के अचानक परिवर्तन होगा। हाँ कोई ले जाने का तैयारी चाहिए ना, टीचर भी देखता है अपने स्टूडेंट में कौन तैयार है, तो आप में से कौन तैयार हो? माता जी बताती नहीं है, कहते क्रोध अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना? नहीं, नहीं जो बाबा को लिख के देंगे। हाँ इस भट्टी का कुछ निकलना चाहिए ना, कम से कम ये तो कर सकते, मैं कोई तकलीफ नहीं है, कुछ खाना नहीं खाओ नहीं कहा, उपवास नहीं करो कहा, मुर्ख सवेरे सवेरे उठ के योग करो नहीं कहा, कुछ नहीं करो। लेकिन एक हाँ पति बच्चे बोलते हैं, बोले तो बोलने से दर्द तो नहीं होता, दर्द होता है किसी ने दूसरा बोल जोर जोर से बोला दर्द होता है? नहीं। आग लगती है? नहीं। समझ बोले तो। हाथी देखो, हाथी जाता है, कुत्ता कितना भी बोलता है इधर उधर देखता ही नहीं है, है ना, क्यों? समझ है उसको, हम हमारा सर्वशक्ति भगवान शिव बाबा के वश है,
किसी ने गुस्सा किसी ने मेरा बाल कोई भी हिला नहीं सकता। ये आपको निश्चय चाहिए। पति बच्चे बहुत परेशान करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो भी मुझे नहीं रोकना है। और मन मुख को चुप नहीं रखना है, मन से बोलना है जरूर कि बाबा ये आपका बच्चा है, आपने मुझे कहा गुस्सा नहीं करो, आप अपने बच्चों को उस समय बाबा से बात करो। अगर आप देखना महाभारत सुना है, अगर सुना है ना द्रौपदी का, सब इंद्र सभा में सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र धारण किया, परिवार का कोई भी उठा, भीष्म पितामह बैठे थे, पांचों पांडवों भी बैठे हैं, सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र धारण किया, कोई भी परिवार से उठ के मदद किया। द्रौपदी ने चिल्लाया भगवान को, भगवान आया, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोका। लेकिन आप क्या कहते हो, इनको पहले ठीक करो, आप चुप नहीं रहते हो, इनको पहले चुप करो, यही कहते हो ना। तब भगवान आकर के उनको चुप नहीं किया, जिसने बुलाया उसको मदद किया। भगवान भी गलत कर्म करने वालों को भी रोकता नहीं है, क्योंकि गलत कर्म करके उनको चंडाल दास दासी भी चाहिए ना, झाड़ू कौन लगाएगा, वो भी चाहिए। गलत कर्म करेंगे तो गलत कैसे बनेंगे ना, सभी राजा बन जाए तो सिंहासन कितना बनाएंगे। तो आप कहेंगे ये गलत कर्म करता है, गुस्सा करता है, इसको ठीक करो, नहीं आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, ये सीखना चाहिए। महाभारत पढ़ते हो तो देखो भगवान आने के बाद भी द्रौपदी को दुशासन को रोका नहीं, वो अपना काम करता रहेगा, गुस्सा करने वाला करता रहेगा, आप संभव है कि उसको पहले चुप करना चाहिए। हाँ आप तो ये कह देना इनको पहले ठीक करो, फिर हम ठीक हो जाएंगे। हाँ है ना, पहले स्वयं को चुप करना पड़ेगा ना कि उनको ठीक करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने चिट्ठी लिख के दिया नहीं दिया, किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैं सोचा कल, हाँ देखो भाई जी अभी पूछ रहा है, हाँ प्रश्न पूछना चाहिए, अभी 15 मिनट आप लिखे नहीं देते हो तो आपको पूछना पड़ेगा। पूछा है सर, लिख के दिया है, दिया है ना, किसको दिया, दीदी को दिया था, दीदी को चिट्ठी लिख के दिया था, बड़ी दीदी को, कौन सी दीदी को, प्रश्न पूछना चाहिए तब आपका दिमाग चलेगा ना, कहते हो चुपचाप सुनते रहो ठीक है, देखो अभी चिट्ठी लेके आ रहे हैं, हाँ अभी और बताओ, हाँ देखो पढ़ के बताओ, आओ जी के पास है, हाँ पूछना चाहिए ना, पूछेंगे तो खुश हो जाएंगे ना, नहीं तो क्या सुनते रहो, आपको भी कुछ बोलना चाहिए। हाँ ये देखो कितनी चिट्ठी लेके आए, पोस्टमैन आ गए, चिट्ठी लेके पोस्टमैन अच्छा है ना, हाँ किसी के मन में दुविधा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं सत्वचंद महाराज जी जो कहा सही नहीं, आप पूछ सकते भाई जी ऐसा नहीं, ऐसा है इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, पूछना चाहिए, पूछेंगे तो स्पष्टीकरण मिलेगा ना। तो आप कोई भी दुविधा होता है, क्योंकि बहुत जन लोगों ने शास्त्रों में कहा क्या क्या सुना है, हर एक के स्पष्टीकरण चाहिए, जबरदस्ती नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान स्व इच्छा से चलने का रास्ता है ना, जबरदस्ती चलने का रास्ता नहीं, जैसे शास्त्रों में सब जगह पूछना नहीं, चुप रहना, जो कहते हो सुनना नहीं, आप पूछो। देखो अर्जुन को कितना ज्ञान सुना है, सब ये क्यों ये क्या, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, यहाँ भी आपको भी ऐसे नहीं चुपचाप सुनना नहीं, पूछो। ठीक है, देखो अभिजीत पढ़ के आप बताओ, हाँ बैठ के बताओ, एक ने तो बहुत बड़ा पत्र लिखा दिया। शुभ पहला क्वेश्चन है, अमृत वेले योग के समय जब हम परमधाम करते हैं, उस समय वहाँ ज्यादा समय तक रहने के लिए किस तरह के संकल्प आने चाहिए, हाँ वो विधि बताया देगा। अगर मैं आपसे बात करते आधा घंटे तक महात्मा भाई से बात करते रहे तो कुछ पूछते रहे तो ठहरेंगे ना, मैं तो निकल जाएगा एक मिनट के बाद। तो विधि बताया था बाबा की 8 शक्तियां हैं, एक एक शक्ति लेके बाबा
आप कहते हो पवित्र हो, आप तो ऊपर रहते हो, हम तो इधर पवित्र कैसे रहे? किसने आपको तो शरीर ही नहीं है, आप किसमें पवित्र हो? आप पवित्रता के सागर के तो किसमें पवित्र हो? कैसे पवित्र हो? हम कैसे रहे? ऐसी बात करो बाबा। आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, आप संसार में आओ तो पता चलेगा गुस्सा कैसे आता है। ऊपर बैठे हो और भाषण करते हो गुस्सा नहीं करो, ऐसे बाबा से बात करते हो। एक एक शक्ति 8 शक्ति है, 8 मिनट बाबा से बात करते रह सकते हो, लेकिन बाकी बात नहीं करना कि बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे पति को ठीक करो, बच्चों को, ये नहीं बोलना। सिर्फ शक्ति, सर्वशक्तिमान है, एक एक शक्ति लेके बात करो बाबा। मैं आप कहते हो मेरे जैसे बनो, आप पवित्रता के सागर, मैं आप इससे कैसे बनो, क्या करो? बाबा ने कहा मैं टीचर पढ़ा नहीं आया, सिखाएगा टचिंग देगा, बच्चे ऐसे करो, शक्ति देगा, है ना? ऐसे हर चीज एक 8 प्रश्न है, 8 मिनट वहां जोड़ के रख, 8 शक्ति याद रहेगा। बताया था पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखर का सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य। 8 शक्तियां है, सर्वशक्तियों में मुख्य मान, एक एक शक्ति लेके बात करो, है ना? बाबा से आराम कैसे बैठता, कुछ दिखाई नहीं देता है ना, आत्मा पर अंधाम जाती है, यहां ही बैठे हो। जैसे मोबाइल आपके पास है, नंबर डायल किया, आपका आवाज यहां से उधर गया, कैसे गया हो? ऐसे ही आत्मा का आवाज पर अंधा पे जाता है। आत्मा समझना है, आत्मा समझने के लिए 5 प्रश्न बताया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से? किसने पूछा? मन पूछता बुद्धि से, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। तो ये 5 नंबर आपने डायल किया, आत्मभिमानी बन गए। आप फिर बाबा से बात करो, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है, समझ में आया? अगर ऐसे रोज करते हो, इस आधा घंटे के अंदर आपके मन और बुद्धि में देह और देहधारी के कोई विचार नहीं आए, उसको कहते हैं लाइन क्लियर, उसको कहते हैं आपका योग लग गया। अगर इस करते समय दूसरे विचार आए तो योग लगा टूट रहा है, बीच में कोई आ रहा है ना? तो यहां से वहां तक देह और देहधारी के कोई विचार नहीं आता, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देते हैं, ये दोनों बात करते करते सीधा जाते हो वहां ही, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रहते हो, तो आपकी सारी शक्ति यूज होती है। उसको कहा जो पवित्र है वो योगी है, और जो योग लगा था उसको शिव बाबा की पवित्रता की शक्ति मिलती है, समझ में आया? पता चला जिसने पूछा कैसे योग, कैसे बाबा से बात करते हैं। ये 8 शक्ति के अलावा कुछ नहीं करो। हाँ, और कुछ पूछना है तो सूक्ष्म मतलब में ब्रह्मा बाबा से बाप दादा दोनों है, वहां रूढ़िया वो भी नहीं कर सकते हो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करो, बाबा कमरे में सुनाई देता है। परम धाम में कोई भी बात और नहीं करना, ओनली 8 शक्ति को, उनको शरीर नहीं छुपा हुआ है, संसार का ज्ञान नहीं है। तो बाबा के बच्चे कुछ पूछते हो आप बाबा से पूछो, बाप दादा बैठे सूक्ष्म रूढ़ियान कह दो उसको, शिव बाबा निराकार, सिर्फ सर्वशक्तिमान है। हमको बाप को कहता था मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बने, जैसे बाप है, तो इसलिए ऐसे चिंतन करना चाहिए, ठीक है? अब कल का जो टॉपिक आपने लिया था याद योग और तपस्या, तो एक एक लाइन में सूक्ष्म अंतर दोबारा, जो नहीं आए थे वो पूछ रहे हैं, आए तो थे लेकिन समझ याद नहीं रहा। 3 चीजें सदा बाबा मूल्य में सुना, याद क्या है? सुनते फिरते माता जी भाई को देखते याद आया, अरे ये बाबा का बच्चा है, बाबा इस बच्चे का कल्याण करो, इस बच्चे को सदबुद्धि दे दो। और बाबा का बच्चा है, दिखाई दे बैच में पहना है, नजदीक जाओ तो मिला, भैया आज सेंटर में गए थे, बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाई, मुरली का पॉइंट का दान करो, ये याद है। इसको देखते ही पॉइंट याद आए, दान करो, इनको देखते ही शुभ भावना देने की याद आए, ये याद। ये चलते फिरते अगर कोई नहीं आते, आप घर में बैठे हो तो मन में खाना बनाते किसकी याद आती है, देखो उसने बहुत दुख दिया था, याद आती है।
हाँ बाबा दिया था, लेकिन वो आपके बच्चे हैं, उनका कल्याण, मन ही मन में उनकी सेवा करो। शुभ सोचो ये मनसा सेवा, तो इसको कहते हैं ये चलते फिरते 8 घंटा कर सकते, लेकिन इससे पहले जो किया हुआ पाप विकल विनाश नहीं होगा, अभी आपसे कोई पाप नहीं होगा, ये दोनों जानते हैं। हम जो योग कर रहे हैं कि दवाई क्यों ले रहे हो, पहले की बीमारी मिटाने के लिए, तो ये करने से पहले की बीमारी नहीं मिटेगी, अब दोबारा बीमारी नहीं होगी, समझ में आना चाहिए। दूसरा योग सर्व संबंध से जो कर्म करते करते बाबा आपके लिए खाना बना ले, बाबा आप मेरे डॉक्टर हो, मुझे ये बीमारी है क्या करो, किस डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर है पति, कौन है हमारा पतियों का पति है, मेरा बेटा है, दोस्त है, कुछ बात दिल के औरों को नहीं बताओ, भगवान मेरा दोस्त है, हाँ कुछ चाहिए, भूख लगी खाना चाहिए, माँ से मांगना नहीं होता, माँ से अधिकार है ना, माँ से मांगना नहीं कहते उसको, अधिकार है बच्चों का, तो माँ बाप मेरे बाबा माँ बाप भगवान माँ बाबा मुझे ये चीज चाहिए, बाबा मुझे ये भूख लगी, मुझे ये चीज चाहिए, तो बाबा को कैसे, तो ये सर्व संबंध बाप से जोड़ना, ये इसको योग कहते हैं, जोड़, इससे भी पहले जो किए हुए विकर्म विनाश नहीं होंगे, अभी विकर्म नहीं होगा, नहीं तो क्या होता है कि माता जी को कोई खुशी की याद आती है, किसी बच्चे नहीं है, दूसरों बच्चों को देखते ही चाह रहा है, मुझे भी हमको भी ऐसा बच्चा जाता, किसी को देखकर और याद आता है, तो दूसरों से संबंध जुड़ जाता है, देदारी से, उसके लिए बाबा ने कहा सर्व संबंध एक मेरे से जुड़ो, ये योग। तपस्या क्या, तपस्या सवेरे आधा घंटा 4 से 5, शाम को 6:30 से 7:30, संध्या का, इस 2 समय पर बैठकर आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, कैसे करो तो उसकी विधि बताता, आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना, बुद्धि को सब ज्ञान याद है, तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ कल बताया था, शक्तिवान शुभ बाबा, फिर पूछो मेरा रूप कैसा है, हाँ बाबा ने उस दिन कहा था मैं सफेद चमकता हुआ सितारे रोटी के बीच में बैठा, फिर मेरे गुण, हाँ जब मैं परमधाम से आया था कितना पवित्र था, जब मैं परमधाम से आया था कितना शांत स्वच्छ था, अब मुझे ऐसे बनना है, 7 गुण है, एक एक गुण याद दिला रोज। चौथा मैं क्या करता हूं, हाँ इन आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, लेकिन अभी योग करने बेटा कौन आया कौन गया इधर उधर देखना नहीं चाहिए, शरीर को नहीं डिटैच कहा, अशरीरी बनो, शरीर का उपयोग नहीं करना, 15-20 मिनट। पांचवा मैं कहां से आया, परम धाम से, परम धाम में कौन है, शुभ कौन है, वो आपका पिताजी है, पिताजी के पास क्या है, लेकिन हमारे पिताजी के पास इतने कार है, इतना जमीन है, इतना पैसा है, इसे बताएंगे ना, तो शुभ बाबा के पास क्या है, हाँ हमारा बाप पवित्रता का सागर, हमारा बाबा देखो कभी गुस्सा नहीं करता है, शांति का सागर, हमारा बाप देखो कितना सबको सुख देता है, ऐसे बाबा से बाबा मैं आपके जैसे कैसे बनू, मैं आपका बच्चा हूं, मैं रावण का बच्चा तो नहीं, गुस्सा क्यों आता है मुझे, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, तो बाबा से बात करते करते तो संबंध जुड़ जाता है ना, तो ये याद, अगर 1 महीना रोज ऐसे करते हो तो देख लो, किसी की दवाई दिया 1 महीना तो बीमारी ठीक होनी चाहिए ना, क्यों योग कर रहे हो, बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, अगर रोज सवेरे 15 मिनट शाम को 15 मिनट करते हो रोज, देखा 1 महीना कब से कब करके देखो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं कहां से लेते हैं, कि वे कर्म भरे हुए हैं, तो शिव बाबा की शक्ति से वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे, रोज अगर 1 गोली खाते हो 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे सिर दर्द खत्म होता है, तब विश्वास होता है हाँ डॉक्टर अच्छा है, गोली भी अच्छी है, अगर दवाई लिया सिर दर्द गया नहीं तो डॉक्टर अच्छा कहेंगे कि डॉक्टर भी ठीक नहीं गोली भी ठीक नहीं छोड़ दो, है ना, अब ये भी डॉक्टर कहता है बच्चे मुझे निरंतर ऐसे ही ये दवाई ले लो सवेरे उठकर, ये 5 गोली ये 8 शक्ति है, तो मेरे से अगर बात करते हो
शक्ति में पतित आत्मा को पावन करने आए, पाप कटेश्वर का पाप मिटाने आए। लेकिन मेरे से जो जैसे आप इधर बैठे हो, अभी सूर्य बाहर आया है, सूर्य की किरणें आपको मिलती है, सूर्य कहता मैं आया हूं ले लो, लेकिन आप अंदर बैठे हो तो धूप चाहिए आपको मिलेगी, तो शरीर को बाहर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो मांगने की जरूरत, सूर्य आया हुआ, सूर्य की किरणें पड़ती शरीर पर, चाहो नहीं चाहो पसीना निकलता है। ऐसे शुभ बाबा आया हुआ है, कहां है वो दिखाओ, आत्मा के लिए शरीर से बाहर आओ दिखाई देगा। तो शरीर से बाहर आने की विधि बताया, अपने को आत्मा का बाप लो, आत्मा को शक्ति देने के लिए वो सूर्य आया हुआ है। शरीर से बाहर आओ, मकान से बाहर जाओ, कैसे जाओ कुछ बताया, मैं कौन, मेरा रूप, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करते आत्मा शरीर के भान से बाहर आ रहा है, तब उसको बाबा जो है जैसा है दिखाई देता, शक्ति मिलती है। समझ में आया। अगर इधर बैठ के सूर्य का आए दिखाओ, बाहर आओ दिखाता हूं सूर्य की गर्मी कैसी है, आओ देख लो वो गर्म है कि ठंडा है, यहां बैठ के मिलेगा। हम शरीर में बैठ करके भगवान को देखना चाहते हैं, ये अज्ञान है, वो शरीर का बाप नहीं, आत्मा के, है ना। आप कहते सूर्य कहां दिखाओ, आओ बाहर आना पड़ेगा ना, कोई पूछेगा भगवान कहां, आओ सेंटर में आओ दिखाता हूं आपको कैसा भगवान आता है, है ना। तो अंदर आना पड़ेगा ना, ऐसे आत्मा का बाप है, समझ में। ऐसे स्वामी नारायण का एक गुरु था, वो कहते थे आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, स्वामी जी हम तो छोटे बच्चे हैं, गलत हो सकता है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप बताओ ये गलत है ये सही है दिखाओ। हम कहते गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आता है, आप आके देखो और बताओ मुझे गलत है। आया कार लेके आया, आगे आगे बिठाया, बिठा के देखा, अरे आज पता चला मैं बचपन से पीएचडी कर रहा था, स्वामी नारायण का गुरु अर्पण पढ़ा, तो कहता मैं बचपन से सोचता था ब्रह्मा कुमारी का दिमाग खराब तो नहीं हुआ है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, निराकार शिव को भगवान मानते। हमने कहा तब से आज पता चला, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक बाहर जाएंगे नहीं, तब तक धूप की धूप क्या करना चलता, अंदर बैठ के नहीं पता चलता, आत्मा शरीर के भान से बाहर आओ तब पता चलता परमात्मा की शक्ति क्या है। शरीर में रहते हुए अगर आप भगवान को देखना चाहते हो संभव नहीं है। अगर यहां बैठ के मुझे धूप दिखाओ, सूर्य की किरणें कैसी आती दिखाओ, संभव नहीं है। बाहर आओ, सूर्य बाहर है, छत के नीचे कैसे रहेगा अंदर, सूर्य की ताकत क्या है, गर्मी क्या है देखना चाहते हो बाहर आओ, भगवान क्या है देखना चाहते हो विधि बताए, अशरीरी बनो, शरीर को भूल कर आत्मा को जागृत करो, वो आत्मा का बाप है, आत्मा उसको अनुभव कर सकती है। ऐसे आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद है रामकृष्ण परमहंस के पास गया, भगवान कौन है दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूं, लेके गया नदी में स्नान करो, पहले स्नान करने गया, मुंह को दबा के रख दिया पानी में, बाहर आना नहीं दिया, और ये श्वास लेने के लिए तड़पने लगा, तब का श्वास लेने के लिए इतने तड़प रहे हो, इतनी तड़पन चाहे भगवान को देखने के लिए, ऐसे भगवान चलता फिरता मिलेगा क्या। मनुष्य ऐसे कहते हैं भगवान कहां है देखा, वो कहां शिव बाबा आता है, हाँ देखने के लिए आओ, धूप कैसी है, कितने तेज है, बाहर आओ दिखाता हूं कैसे धूप आती है, सूर्य की किरणें कैसी है, हर चीज की विधि विधान। तो जो सुनते नहीं है तो वो ऐसे के ऐसे रहते है ना। अगर जो सुनता है ना, भाई जी आप कहते हो धूप चाहिए, बहुत ठंडी लग रही, आओ बाहर थोड़ा पैदल चलो, हाँ यहां बैठे हुए भगवान को दिखाओ, वो चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, विधि है। मसाला छोड़ने की विधि, छुड़वाने जाने की आशा है किसकी है, हाँ वो भी हो सकता है, मसाला माना ये है ना तंबाकू, हाँ गुटका, वो भी जो करना चाहते हो कर सकते हो, तंबाकू गुटका जो खाते हैं कोई चाहता नहीं है, क्योंकि एक आदत बने, किसी ने एक दिन खिलाया अच्छा लगा तो खाते हैं, नशा करते हैं, तो उसके जगह पर आजकल क्या करो, रामदेव बाबा का आंवला मिलता है,
नमक लगाया हुआ है, कुछ होना चाहिए। तो जब भी तंबा को खाने की इच्छा होगी उनका, मुंह में आंवला डालो, कुछ रखो, मिश्री डालो, चॉकलेट डालो, चॉकलेट भी आजकल ठीक नहीं, इससे कहा मिश्री डालो, नहीं तो आंवला मिलता है मसाला लगा हुआ, वो मुंह में कुछ चाहिए। हाँ, वो अगर कुछ डालो, एक हर चीज की निवारण है। ये छोड़ना चाहते हो तो ये दे, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दो, संभव नहीं है ना, खाली छोड़ दो नहीं, इसकी जगह पर ये करो। हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, निवारण है, उस जगह पर दूसरा कुछ चाहिए है ना, तो आंवला करो। आप देखना एक हफ्ता करके देखो, और फिर भी आप चाहते हो अगर दीदी मधुबन में आती है तो शांति वन में दवाई मिलती है होम्योपैथी, तो अगर कोई चाहता है सच्चे दिल से मैं शराब तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई है। इच्छा है तो सब कुछ साध्य है, अगर इच्छा नहीं है कितनी भी दवाई दे दो काम नहीं करेगी है ना। पहले आपकी इच्छा चाहिए, तो पहले विधि बताए एक आप करो, और उसके साथ दूसरी बहन जी के पास रखे होम्योपैथिक दवाई मिलता है। तीसरा, कम से कम एक 15 दिन रोज आके ध्यान सुनो, मुरली सुनो, इस वातावरण में बैठो, तो ये वातावरण आपको परिवर्तन करेगा। तीनों जगह आत्मा को भी शक्ति चाहिए, शरीर की आदत मिटाने के लिए दवा दुआ दोनों चाहिए। सिर्फ दवाई काम नहीं करती, सिर्फ दुआई भी काम नहीं करती, दो आप आंवला मुंह में डाल के रखो, शरीर की आदत और आत्मा के अंदर भी शक्ति चाहिए। दृढ़ संकल्प कहते छोड़ना है मुझे, वो कहां से मिलेगी, एक कल 10-15 दिन एक महीना रोज ज्ञान सुनो, योग करो, इधर इस वातावरण में आके बैठो, ये वातावरण आपको उस बुराई से मुक्त करेगा। हो सकता है ऐसा कठिन है भाई, बताओ जो कठिन हो सकता है, कर सकते हैं ना, कोई कठिन तो नहीं है। दवाई में मांगी थी तो बोले कि बहन जी जो छोड़ना चाहते हैं उनको ही ये दवाई, वही तो मैंने पहले कहा जो चाहते नहीं वो काम करेगा दवाई, पहले उस आत्मा की इच्छा से मैं एक बुरे आदत में फंसा हुआ नहीं चाहता, छोड़ना चाहता, तो क्या करो उनके लिए ये दवाई काम करती है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए इनाम दिया है, एक डॉक्टर ने कितने लोगों को मुक्त किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11 लाख रुपए की गाड़ी दे दिया कि आप जाके गांव गांव में और इसकी सेवा करो, पैसा मुक्ति की। तो गवर्नमेंट जाकर करके दिखाया है, लेकिन उसकी इच्छा चाहिए, तब इच्छा के बगैर कुछ नहीं, पानी को घोड़े को पानी के तालाब में मुंह डुबाओ, पानी पीने की इच्छा ही नहीं उसकी, कैसे पानी अंदर जाएगा है ना, तो उसकी इच्छा है मुंह पानी में डालो तो पानी पिएगा, दवाई दे दो, पहले अपनी चाहिए वो समझना जरूरी है कि ये आदत ठीक नहीं है, इससे कोई फायदा ना, पेट नहीं भर रहा है, इससे दांत खराब होता है, कैंसर की बीमारी आती है, कितना खर्चा हर महीने में कितना खर्चा जाता है, और कहां पीते हो रास्ता भी खराब होता है सब जगह पर लाल लाल, ये आदत देवता है, आदत नहीं है, मनुष्य की नहीं प्राणियों की है। तो ये जो मनुष्य थोड़ा समझता है कि मुझे छोड़ना चाहिए, उसके लिए रास्ता है, वह इच्छा है भगवान ने रास्ते खोल कर दिए, अगर इच्छा ही नहीं है जबरदस्ती करो तो टूटता है, कोई चीज पर जबरदस्ती नहीं, ठीक है समझ में आया। और माताओं ने किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, माता प्रसन्न चित्त है, भाई जी पूछता है, भाई जी बताओ। एक माता हमारे यहाँ मुरली सुर में आती है, उनका लड़का साइकिल पे लेके आता है, वो लड़का शराब पीता है, वो गेट तक छोड़ जाता है, माता जी मुरली सुर में फिर जाते हैं, बैठा के ले जाता है, तो वो सेवा करता है, पैसा देती है उससे, माता जी जब पैसा देगा तभी वो शराब पिएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, किसका उपाय क्या। देखिए माता जी का दोष है, वो बेटा माता जी की सेवा करता है, माता जी उसकी सेवा नहीं करते, माता जी की सेवा करने ना बेटा छोड़ने आता है, लेने भी आता है, तो माता जी ने उसके लिए क्या किया, तो उपाय बताया, बेटे को शराब छोड़ो नहीं बोलना है,
बेटा आप मेरी सेवा तो मैं आपको शराब लाऊंगी, है ना, ला के कपाट में रख दो, फ्रिज में रख दो, घर में रख दो, और उसके साथ एक कोको कोला के बॉटल में रख दो। तो पहले दिन फुल शराब पिलाना, दूसरे दिन थोड़ा सा शराब कोको कोला डालना, तीसरे दिन और थोड़ा डालना, ऐसे अपने हाथ से पिलाते पिलाते उसकी आदत को चेंज कर सकते हैं। संभव है बाबू जी, संभव है। तो माता जी से कहेंगे माता जी अपने आप शराब छोड़े नहीं हो सकता, क्योंकि आदत बनी, उस आदत को मिटाने के धीरे धीरे अभ्यास एकदम कटने से धीरे अभ्यास से आदत को परिवर्तन कर। जैसे हम उनसे पूछते हैं यही कहते हैं क्या बताओ परेशान है हम, और हाँ परेशान है तो उसकी दीवार भी है। माता जी आप उनको बोलो पैसे आप देते हो और आपको मैं ला के देती हूँ, आपको आप बाहर से नहीं ले रहे हो, अपने हाथ से पिलाओ, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा और कुछ डालते डालते धीरे धीरे उसके आदत को जो टेस्ट है मुंह का उसको चेंज कर, है ना। और रोज कहो बेटा बाहर जाते हो इधर आके बैठो दो मिनट बैठो, दीदी को बोला दीदी आप इसको रोज एक टोरी खिलाओ, उसका हरि के द्वार तक आ जाए। भाई साहब गेट के अंदर नहीं प्रवेश करता भाई। हाँ अंदर आता नहीं है लेकिन लेके आने का दीदी उसको कहना एक मिनट आओ दीदी के पास मिलके जाओ, माता जी का तो सुनेगा इतना आधार तो करता है और आधार करेंगे माता जी के पास भी पवर मेरे बेटे को ठीक कर और माँ को ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है ना। तो माँ के पास भी ऐसा शक्ति है वो यूज करना चाहिए, है ना, उसको कहते शुभा ये मेरा बेटा मुझे ठीक कर रहा है, क्योंकि वो तो अच्छा ज्ञान सुनती है। आज नहीं तो कल भगवान के घर में अंधेर नहीं, अगर आपको सुना हूं प्रैक्टिकल, इसके पीछे और भी कारण है, इसके पीछे और भी कारण मैं देखने में आया। क्या आया, एक माता जैसे आपने कहा और पांच दस मिनट है, एक माता रोज मधुबन हर्षा लाती है और गीता पाठशाला चलाते हैं, तो कहते भाई जी पति ज्ञान सुनता ही है, बिल्कुल हमें कहा लक्ष्मी कमाती है नारायण खाता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, दुनिया में नारायण कमाता है तो लक्ष्मी खाती है, अब यहाँ आप कमाते हो आप ज्ञान ध्यान करते हो पति की भी कमाई होगी उससे। तो पता चला कि उसके बाद पति रोज सेंटर से सेंटर में छोड़ने आता है लेने आता है। अगर एक साल के अंदर वाइफ कैंसर बीमार से चली गई और उनकी दो लड़कियां हैं और वो गांव में मकान था, तो अब तो उसने वो माता ने शरीर छोड़ा वो मकान बेचा सेंटर के सामने मकान लिया, दोनों लड़कियों को आज भी सेंटर में समर्पित किया है। तो माता ये आगे गई कि पिता आगे गया, अब पूछा मैंने एक दिन मिला हमने एक दिन मिला पूछा आप माता जी को सेंटर में छोड़ते थे अंदर क्यों नहीं आते थे। भाई जी सच्ची बात बताओ माता जी रोज मुरली क्लास करती है, मुरली सुन के जाती है, हर बच्चों को दोनों लड़कियों को गुस्सा करती है मारती है, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ मैं जाके तो क्या उद्धार होगा वहां, इसलिए मैं अंदर पाव नहीं रखता था। माता जी मुरली सुन के जाके क्या करती है, उनका कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसलिए मेरे पाव भी पीछे में भी आता रहता, अब मुझे विश्वास था ये अच्छा संघ है अच्छा ज्ञान सुनना चाहिए। माता जी छोड़ के गई दोनों लड़कियों को दादी के हवाले कर दिए, आज भी सेवा कर रहे हैं, और उसने भी वो मकान बेचा और सेंटर के सामने मकान लिया, 24 घंटा सेवा कर रहे हैं। है तब कहा माता गुरु अगर चाहिए कि बेटे को पैसा माता ही देती है ना, अगर माता ने कहा बेटा पैसा देती हूँ मेरे हाथ में नहीं दीदी इधर अंदर आओ इधर से ले जाओ, कुछ युक्ति कर सकती है, आके दीदी को दीदी उसको 5 रुपए भी देना और एक टोली भी खिलाना, है ना, तो कुछ फर्क इसके हाथ से दिला कुछ युक्ति रचनी पड़ती, वो युक्ति बताना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी युक्ति ऐसे करो, ठीक है, दोनों युक्ति तो कलयुग में मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती, सीधा सीधा किसी के पास चमत्कार नहीं है, बाबा भी चमत्कार नहीं कर पाया, विधि से समझ हर चीज की विधि
ठीक है। और बताओ संजय जी ने माइक लिया, हाँ दीदी कुछ बोलेंगे अभी, हाँ आपको भी कुछ सुनाना चाहिए। लेकिन भरपूर तब होंगे आपके पास आएंगे हम, दीदी क्रोध मुक्त हो गए तब कहेंगे भरपूर। अभी झोली भरी अभी आए छोड़ के जाएंगे तो क्या फायदा। हाँ अभी कानपुर में एक तो मिल गया तुम्हारा, ऐसे पांच माताएं तो मिलनी चाहिए। ये जो क्रोध मुक्त है ना, पांच माताएं तो होनी चाहिए कम से कम। अभी पांच कितना, दो तीन सौ है, उसमें से पांच तो मिलना चाहिए ना, उत्साह करे तो हो सकता है। ये लोग सब समझते हैं और सुनने के लिए आए हैं। हाँ भाई जी कुछ इन आत्माओं के अंदर बहुत गुण है, इच्छाएं हैं अच्छा बनने की, बहुत इच्छा है तो होगा। देखो दीदी के पास, हाँ सुना, आशा करती हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे। माँ के बच्चों के प्रति सदा प्यार है ना, दार है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हर एक बच्ची का ये ख्याल है, कोई पढ़ाई लिखाई करती है, नहीं हम पढ़ेंगे अच्छा, नहीं तुम बाबा की बच्ची बनो, कुछ सेवा करो, अगर नहीं हम कमाएंगे फिर बाबा के काम में धन लगाएंगे, और ऐसा ऐसा कह देती है तो अच्छा भी कोई बात नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कब कमाओगे कब लगाओगे। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। देखो माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते ना। देखो दीदी आप सबकी महिमा कर रहे थे, हमारे माता है बहुत अच्छे है। भाई क्या कह रहा है लेकिन, हाँ अभी ये महाभारत जो बना उस समय क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं एक लिखी है ये आज कलयुग की दुनिया की बात है। आज भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लड़ाई झगड़ा करके आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय आपके पास ज्ञान है, शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं आप रक्षा करें। तो द्रौपदी ने क्या किया, पांडव भी कुछ नहीं कर सके, इतने बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, श्री कृष्ण को याद है भगवान ही शांति कुछ कर सकते हैं। आप लड़ेगा आपको ही मारने आएंगे, तो ऐसी दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान रक्षक है ठीक है, उसी का हाथ सहारा लेना चाहिए ठीक है। और बताओ ठीक है ओके। हाँ एक माता जी भी पूछ रहे थे, भाई जी भी पूछ रहे हैं, बाकी लिख के दे दो, शाम को भी है कल भी है, हाँ लिख के दे देना माता जी, लिख के दे देना। लौकिक फादर का धन बाबा की सेवा में लगा सकता हूँ या नहीं? हाँ लगा सकते हैं, अगर पिताजी को बताते हैं, अगर बेटा माता जी है, पति का पैसा है, लड़की है, पिताजी का, जैसे दीदी ने लगाया, पिताजी को कहा तुम नौकरी छोड़ के करो है ना, तो आपके सामने सिंपल है, तो आप भी पति का बच्चे का माँ बाप की अमानत है तो भगवान की सेवा में लगा सकते, चोरी नहीं करेगा, उनको बता करके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो वो कोई नहीं है, तो वो धन आप सेवा में लगा सकते हो, उसमें कोई चोरी नहीं है ना। अगर माँ बाप थे, अभी माँ को लड़की को शादी करके दिया, माँ बाप के कोई बच्चे भी नहीं है, घर मकान पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी हुई है, वो आप सेंटर खोलो, बेच करके बाबा की सेवा में लगाओ तो उनका भी कल्याण होगा है ना, धन नहीं तो ऐसे चला जाएगा है ना, तो कर सकते।